रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में मैं फरजाना आप सबका खैर मकदम करती हूँ। सबसे पहले सुना रही हूँ, सुनते तेलंगाना बंद का मिला जुला रद्देअमल, सिटी सिविल कोर्ट के वकीलों की रैली नाकाम। वजीर बी सत्यनारायण अखिलता और SC/ST के वास्ते 1600 करोड़ रुपए के नई स्कीम शुरू करते बोल रहे हैं। तेलंगाना के बंद में करीमनगर में बीजेपी वाले यूपीए के सदर सोनिया गांधी के पोस्टर जलाए, चित्तूर और तिरुपति में हाई अलर्ट। दूसरे 10 बातें करो नको, तेलंगाना नहीं देते बोल के बोलो नको, TRS के YS गीता का रिमांड। डीजी केबल का गलत तरीके से इस्तेमाल, मीडिया प्रो और चैनल डीजी केबल और केबल ऑपरेटरों को वार्निंग। अब खबरें तफसील से देखेंगे। पहले तेलंगाना वाले तेलंगाना दियो बोल के बंद मनाते थे, अब रॉयल तेलंगाना नक्को बोल के बंद मना रहे हैं और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट और पुलिस वालों के बीच में लड़ाइयां हो रही। गए सौ कई सालों में तेलंगाना के लीडर लोग स्टूडेंट तेलंगाना दियो बोल के तेलंगाना बंद मनाया करते थे। 5 दिसंबर को TRS, BJP, तेलंगाना, JEC और दूसरों की जानिब से रॉयल तेलंगाना नक्को दियो बोल के बंद मनाना बोल के लोगों को बोले थे, जिसपे तेलंगाना के 10 अजला में बंद पूरा कामयाब रहा करते। हैदराबाद में इसका असर मिला जुला रहा। कारकुना जय तेलंगाना के नारे बुलंद करते हुए सड़कों पर निकल के दुकाना बंद कराए, जबकि हमेशा की तरह उस्मानिया यूनिवर्सिटी में स्टूडेंटों को रैली निकालने नहीं देने की वजह से कई घंटों तक पुलिस और स्टूडेंटों में झगड़ा हुआ जारी रहे। स्टूडेंट्स पुलिस पे पथराव करते हुए पुलिस की जानिब से पानी बरसाए। तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट करीमनगर, वरंगल, महबूबनगर, आदिलाबाद, नलगुंडा और दूसरे डिस्ट्रिक्टों में बंद पूरा कामयाब रहा करते। वजीर शैलजानाथ बोले, रियासत के 2 टुकड़े कैसे भी अंदाज में कबूल नहीं है करते, सीमा आंध्रा वाले इसके खिलाफ है, हम लोग आज भी अखंड रियासत के हक में है। वजीर शैलजानाथ अखबार वालों से बात करते हुए बोले, रियासत के 2 टुकड़े कैसा भी करे, सीमा आंध्रा वाले अखंड रियासत के छक में है। कई को बोले तो 23 गाँव का एक पिच रहा तो लोग तरक्की कर सकते। उन्होंने बोले उन्होंने अनंतपुर के रहने वाले हैं कहते, फिर भी अंदर रॉयल तेलंगाना की तायद नहीं करते और आज भी अखंड रियासत की बात बोल रहे हैं। उन्होंने बोले JC दियाकर रेड्डी की पसंद भी अखंड रियासत है, बाद में रॉयल तेलंगाना कहते। ఈ విశాలమైన తెలుగు రాష్ట్రం, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఈ విధంగా ఉంటేనే తెలుగు వాళ్ళకి మంచి జరుగుతుందని నమ్మేవాడిని కనుక ఆ విధంగా ఉంచే ప్రయత్నమే చేస్తాం. అది ఏ విధంగా అన్నది ఏంటన్న ఉన్న అవకాశాలను వాడుకొని ఆ ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్తా ఉన్నాను. సో వచ్చే ప్రతిపాదనలు బట్టి మా మాటలో గాని చేతల్లో గాని మార్పు ఏమీ లేదు. కేంద్రం రాయల తెలంగాణకి నిర్ణయం తీసుకుంటే మీ స్టాండ్ ఏంటి? అదే దానికి ఇంత స్పష్టంగా చెప్తాం, అది ఏ రాష్ట్ర విభజన ఏ రూపేనా వచ్చినా అది మాకు సమ్మతం కాదని తెలియజేస్తాం. సార్ కానీ మీరు ఎంత చెప్తున్నా కానీ విభజన మీద కేంద్రం ముందు పోతుంది. ఇప్పుడు జరిగేటువంటి అసెంబ్లీ సమావేశాలకు ఒక బిల్లు వస్తే మీ యొక్క ప్రణాళిక ఎలా ఉంటుంది? ఇందులో ప్రణాళిక ఏమున్నాయి అసలుకి సత్యం స్పష్టంగా చెప్తున్నాం. ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఏ రూపేనా అది అసెంబ్లీలోకి వచ్చినా దాని పట్ల మా వ్యతిరేకతను తెలియజేస్తామని చెప్తా ఉన్నాను. पहले थे सो वजीर G वेंकट रेड्डी बोले, इन्हों मरने तक अखंड रियासत के हक में रहते बोल रहे। पहले थे सो वजीर जी वेंकट रेड्डी सेक्रेटेरिएट में अखबार वालों से बातें करते हुए बोले। उन्होंने जिंदगी भर और मरे दम तक अखंड रियासत की बातें करते गए थे। कई को बोले तो रियासत के लोग भी यही चाहते गए थे। उन्होंने बोले रियासत के दो टुकड़े करने की बातें बेकार की बातें हैं और रियासत के दो टुकड़े होने वाले भी नहीं है। सभ्यवाद प्रधान निर्णय अभिप्राय दाने की इपड़की अब कटा कदा अदेद సమైక్యవాద खचिता माटड़ता సమైక్యవాదం కావాలన్నా అది కూడా మాట్లాడతాం। ముఖ్యమంత్రి బిల్లు రాగానే రాజీనామా చేస్తాం గతంలో అయ్యని హైపోథెటికల్ క్వశ్చన్స్ అండి అయ్యని అయ్యని అనవసరమైన మాటలు మీరు రాసుకుంటూ రాసుకోవచ్చు కానీ మాకు సంబంధం లేదు। తెలంగాణ జేసీ के वकील गांधी भवन में घुसने की कोशिश करे थे मगर घुस नहीं सके। तेलंगाना जेईसी एडुकेट्स तेलंगाना बंद के मौके पर जुमेरात के रोज गांधी भवन में घुस जाने की नाकाम कोशिश करे। कई को बोले तो जैसे वकीला घुस जाने की कोशिश करे थे इन वकीलों को पुलिस वाले पकड़ लिए। पद जिल्लाला तेलंगाना हैदराबाद पैन आंसर लेने तेलंगाना इट्लांटी परिस्थितिलो राय ओल्ड सिटी के कित्ते के एरिया में टीआरएस और बीजेपी के लीडर मिलके एक मोटरसाइकिल रैली निकाल के तेलंगाना बंद मनाए। टीआरएस के वाईएस गुप्ता मीडिया वालों से बोले ये एहतजाज तेलंगाना के वास्ते कर रहे हैं और रायल तेलंगाना के खिलाफ है। तेलंगाना लेने के वास्ते अब तक 1200 लोग दिए सो कुर्बानियों का खून ऐसी बेकार नहीं जाएगा। हम लोग तेलंगाना के लिए 6 और 10 जिलों का तेलंगाना दूसरे 10 बातें करो नको तेलंगाना नहीं देते बोल के बोलो नको। 1200 बच्चे तेलंगाना के वास्ते बलिदान करे, कोई रायल सीमा के वास्ते बलिदान नहीं हुए। हम तेलंगाना के वास्ते पिछले 1956 से लड़ रहे। हमारी अरमान पूरी देश सुन रही, हमारी आरजू पूरा देश सुन रहा। जबरदस्ती को आप 2 जिलों को रायल सीमा को 2 आधा करके हमारे को मिलाने का इसमें क्या है मतलब है भाई। जम्मू और कश्मीर की कांग्रेस कमेटी वाले बोल रही रियासत के सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में उर्दू के टीचर कम है कहते। जम्मू कश्मीर स्टेट कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट हरी सिंह बोले ये बात बहुत अफसोस की है। खासकर जम्मू के सांबा और कटाह के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में टीचर नहीं है। उन्होंने जिले सांबा का दौरा करे तो लोग उनसे अपनी परेशानियां बोलेगा थे। वो लोग उर्दू को लाजमी सब्जेक्ट बनाओ और उर्दू के टीचरों को नौकरियां दियो बोल के मांग करे। चारमीनार एरिया के एमएलए अहमद पाशा खादरी पत्थरगट्टी डिवीजन में 2 जगह पे लाइट के जंक्शनों का इनॉग्रेशन करे। अहमद पाशा खादरी इतबार चौक पे लाइट के जंक्शन लगाने का इनॉग्रेशन करे। इतना ही नहीं कोटला अलीजा में भी एक जंक्शन का इनॉग्रेशन करे। दोनों एरिया में लोग अहमद पाशा खादरी को फूला पिनाए और उस वक्त वहाँ पे मजलिस के कारपोरेटर मोहसिन बिलाला और दूसरे लीडर भी थे। मीडिया वालों से बातें करते हुए अहमद पाशा खादरी साहब बोले उन्हें ये जंक्शन मोहसिन बिलाला बोले बोल के लगाने लगाए और मजलिस के लीडर लोगों के प्रॉब्लम दूर करने के वास्ते हमेशा रेडी है बोल के अहमद पाशा खादरी साहब बोले। एक 100 kV के ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल हुआ और एक सबसे आगे वहाँ पे 100 kV का ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल हुआ। एक ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल मैं और एक ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कारपोरेटर साहब मोहसिन बलारा साहब किए और ये ट्रांसफार्मर दोनों भी कारपोरेटर साहब की नुमाइंदगी पर इलेक्ट्रिसिटी में उनकी खास दिलचस्पी नुमाइंदगी पर ये दोनों मंजूर हुए। और इस ट्रांसफार्मर से इसके खुद व जवार के इलाके में जो शटडाउन हो रहा था या जो ब्रेकडाउन हो रहा था उसकी शिकायत खत्म होगी। यहाँ से लेके चुमटी शाह मैदान तक जर्मन कॉलेज की लाइन चुमटी शाह मैदान तक। डायरेक्टर जनरल पुलिस बी प्रसाद राव 8 पुलिस ऑफिसरों के तबादले करे। जेएस चौहान को ग्रेहाउंड्स हैदराबाद का स्टाइलिट कमांडर बनाए। एसवी पदना भा राजू सैयद पाशा को हेडक्वार्टर रिपोर्ट करो बोले। नरेंद्र नाथ रेड्डी को डीएसपी ऑक्टोपस बनाए। श्रीनिवास राव को एसीपी ट्रैफिक विजयवाड़ा की जिम्मेदारी दिए। विजयवाड़ा की ट्रैफिक एसीपी मोहन को हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करो बोले। श्रीनिवास रेड्डी को डीसीपी इंटेलिजेंस और एसडीपीओ सूर्यापेट वेंकैया को डीसीपी एंटी करप्शन ब्यूरो बनाए। तहलका को शुरू करे थे सो एडिटर तरुण तेजपाल का दूसरी बार मेडिकल टेस्ट करे। गोवा की यूपी मैगजीन के पहले के एमडी शोमा चौधरी को समन भेजे, मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने के वास्ते बुलाए। तेजपाल को सीनियर औरत सहाफी पे जिनसी हमला और असमत रेजी के इल्जाम में पकड़े थे। पीर को तेजपाल के कित्ते के मायना कराए थे। शोमा चौधरी का बयान बहुत ही अहम है, कई को बोले तो शोमा चौधरी को औरत सहाफी के साथ क्या हुआ सब मालूम है, कई को बोले तो ये औरत सहाफी शोमा चौधरी को इसके साथ क्या क्या हुआ बताई थी। 5 दिसंबर को तेलंगाना बंद का ऐलान होने के बाद कारवान के टीआरएस पार्टी के कारकुना पुराने पुल के चौरस्ते पे एहतजाज करने की कोशिश करते सो वालों को पुलिस वाले पकड़ लिए। हैदराबाद और हैदराबाद के आजू बाजू के इलाकों में कहीं कम कहीं ज्यादा तेलंगाना बंद का असर रहा। सुबह के वक्त एलबी नगर, दिलसुख नगर, आरिस, कोकटपल्ली, पटनचोरू, कोठी, पंजागुट्टा, मियापुर, गच्चीबोली में तेलंगाना बाज जगहों पे कुछ और बाज जगहों पे कुछ था। तेलंगाना बंद के दौरान इटावा राजेंद्र की सदारत में एक रैली निकाले। बाद में स्वामी गौड़ मीडिया से बातें करते हुए बोले, रॉयल तेलंगाना नहीं, हमारे को 10 जिलों का तेलंगाना छोड़ा। तेलंगाना बंद के वक्त हैदराबाद और सिकंदराबाद में भोर से बसा बंद थे, जिसकी तरफ से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी। बीएचईएल डिपो के आरटीसी मुलाजिमा तेलंगाना बंद में हिस्सा लिए। वे लोग काम का बाइकआउट करके बंद में शरीक हो गए। डिपो में काम करने से भोर से तेलंगाना के ड्राइवर और कंडक्टर काम छोड़ के रॉयल तेलंगाना न होना बोल के निवारा करे। आरटीसी के बसा नहीं चलने से आवाम को बहुत मुश्किल हो रही थी। जिला नलगुंडा में सरकारी अफसरों पे वहाँ के कबायली लोग गर्म हो गए। हुआ ऐसा, बीडीएल के थोड़े अफसर नलगुंडे के राजा गंडा गुट्टी मंगल में 16 एकड़ जमीन देखने गए। उत्ते में कबायली लोग लटा और फतरा लेके आ गए और अफसरों को रोक दिए। इतना नहीं, बास कबायली और अफसरों पे गैस का तेल छिड़क के एक कबायली अपनी आंख पे गैस का तेल डाल के जला लेने की कोशिश करा। ये गुस्सा उन लोगों की कई को आया, बोले तो उन लोगों को शक है इनको इनकी जगह से हटाने की कोशिश चल रही बोल के वो लोग कुछ भी हो नहीं हटते बोल रहे। వస్తే మేము మాత్రం వాళ్ళతోటి మేము పోమని మేము ఇలా దౌర్జన్యం చేస్తున్నాము, మీరు ఇలా మీటింగ్ పెట్టినాము, వాళ్ళ మీద చేసి వాళ్ళకి ఎలా వచ్చినాము, వాళ్ళకు ఇక్కడ రావద్దు, మేము మాత్రం ఇక్కడ రానియము, మేము ఈ గడ్డ వదిలేసి మాత్రం మేము పోలేము, మేము చేస్తే ఈయనే చేస్తాము, లేకుంటే వాళ్ళ గోడైనా కావాలి, లేకుంటే మా గోడైనా కావాలి, ఈ నుంచి మేము వదిలే ముచ్చట లేదు, ఈ నుంచి మళ్ళీ ఈసారికి రావద్దు। ఇప్పుడు ఆ మధ్యప్రదేశ్ పోయి చేయడం వల్ల రోజు ఏంటంటే మేము దాదాపు 1 నెల రోజుల ముందు ప్లాన్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడము, ఇక్కడ మధ్యన ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి రావడము, అది ఇక్కడ లోకల్ గా ఉంటే బెటర్, శాంతిపేట బదులు ఇక్కడ రాచకొండ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఉంది అనేటువంటి ఆలోచనలో మాకు చేయగలిగితే సంతోషం, లేదు మీకు కష్టం కాదు ఇక్కడ మీకు ఆబ్జెక్షన్ ఉంది అంటే మాకేం ప్రాబ్లం లేదు। तेलंगाना बंद के तरफ से पुलिस वाले जुमेरात के दिन शमशाबाद एयरपोर्ट को जा रहे थे सो गाड़ियों की चेकिंग करे। 5 दिसंबर को पुलिस वाले एयरपोर्ट की तरफ जा रहे सो बसों और मोटरों को रोक के आदमियों और सामानों की जबरदस्त चेकिंग करे। 5 दिसंबर को रॉयल तेलंगाना के खिलाफ तेलंगाना बंद को देखते हुए पुलिस ये इंतजाम करी थी। रॉयल तेलंगाना बना रहे बोल के टीआरएस वाले बना रहे सो बंद के बीच में मलकपेट में टीआरएस के लीडरों को पुलिस वाले पकड़ लिए और बाद में छोड़ दिए। ऐसा मालूम हुआ कि टीआरएस के लीडर आजमपुरे के एरिया में दुकाना और स्कूल कॉलेज बंद करा रहे थे, मगर पुलिस वाले इनको रोक के भोर से टीआरएस के कारकुनों को अरेस्ट कर लिए। जो जो लोगों को पुलिस वाले पकड़े थे इसमें मलकपेट टीआरएस के इंचार्ज मोहम्मद आजम अली भी थे और पुलिस वाले उनको चादरघाट पुलिस स्टेशन को भिजा दिए, मगर बाद में पकड़े थे सो पूरे लोगों को बाद में पुलिस वाले छोड़ दिए। आजम अली खान पुलिस वाले इनको पकड़े बोल के बहुत पुकार लिए और बोले टीआरएस के लिए खामोशी से बम मना रहे थे, मगर फिर पुलिस वाले बीचों में आके हालात को बिगाड़ देते। ये मूवमेंट जो चल रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जो है ना तेलंगाना का ऐलान होने के बाद ये इत्मीनान हुआ था कि तेलंगाना हैदराबाद हमारे कैपिटल के साथ होगा, लेकिन 4 दिन पहले सेंटर के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक अलग मीटिंग से ये एक पब्लिक में किस्म का जो है ना झिझक हो रही है कि हमें कहीं रॉयल तेलंगाना से ना मिलाकर रॉयल तेलंगाना ना बनाया जाए। हमारा एक ही एक मुतालबा है कि हमें हमारा तेलंगाना चाहिए। रियासत आंध्र प्रदेश में चल रही 186 उतल पुतल की तरफ से सीमा आंध्रा के पूरे जिलों में हाई अलर्ट कर दिए। खासकर चित्तूर और तिरुपति में सेंटर के नीम फौजी दस्तों और एपीएसपी, सीआरपी, आरएएफ के कितने की कंपनियों को बंदोबस्त के वास्ते रखे। गड़बड़ नहीं होना बल्कि उनको बुलाए। कितने के महीनों से तेलंगाना के मसले पे आंध्रा और तेलंगाना के लोगों में बहुत गुस्से में है और फिर पार्लियामेंट के सरना इजलास में तेलंगाना का बिल पेश करते रहते। तेलंगाना बंद में जिला मेदक के सिद्दीपेट में टीआरएस के एमएलए हरीश राव की सदारत में एहतजाज हुआ। इस बीच में टीआरएस के एमएलए हरीश राव मीडिया वालों से बोले रॉयल तेलंगाना बनाने की बात पे इतराज है और हम इसको कबूल नहीं करते। हरीश राव बोले हमारे को 10 जिलों का तेलंगाना होना, वो भी कोई शर्तान नहीं रहना बोल के डिमांड करे। इससे पहले सिद्दीपेट के हाईवे पे चल रहे 180 के बसों को रोक के टायरों की हवा भी निकाल दिए थे। కేవలం 10 జిల్లాల తెలంగాణ మాత్రమే కావాలని ఈ రోజు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా స్వచ్ఛందంగా సంపూర్ణంగా బంద్ కొనసాగుతా ఉంది. బంద్లో పాల్గొని తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కూడా తమ నిరసనను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తెలియజేస్తా ఉన్నారు. ఇయాల నేను చెప్పేది ఒకే మాట, 5 దశాబ్దాలుగా జరిగినటువంటి పోరాటం ఏదైతే ఉందో 10 జిల్లాల తెలంగాణ కోసం పోరాటం జరిగింది. అసలు ఎవరు కూడా 12 జిల్లాల తెలంగాణ గురించి రాయల తెలంగాణ గురించి అడిగిన వారు లేరు, ఊహించిన వాళ్ళు లేరు, ఆలోచించిన వారు అంతకంటే లేరు। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव 6 दिसंबर के दिन 12 बजे लखनऊ में अपने घर पे वाईएसआर कांग्रेस के सदर जगन मोहन रेड्डी को मुलाकात का वक्त दिए। जगन मोहन रेड्डी आंध्रा और तेलंगाना अलग नहीं होना बल्कि आखिरी कोशिशें करते फिर रहे हैं। उन्होंने बड़े बड़े लीडरों से इस वक्त मिलते जा रहे हैं। अखिलेश यादव से भी उन्होंने वक्त मांगे थे। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के ऑफिसर गंगाराम एक खत भेज के जगन को जुम्मे को मिले बोले। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास आज 9:30 बजे शुरू हुआ, जिसके साथ ही ऐवान में थोड़े दिन पहले भरे सो और सैलाब में मरे सो वालों को खिराज पेश करे। सरमाई इजलास होते वक्त यूपीए के सदर सोनिया गांधी, वजीर आजम मनमोहन सिंह और अपोजिशन पार्टियों के लीडर भी थे और ऐसा मालूम हो रहा पार्लियामेंट के इजलास में कितने के मसलों पर हंगामा हो सकता। तेलंगाना बंद में जिला करीमनगर में बीजेपी के कारकुना रॉयल तेलंगाना नहीं होना बल्कि एहतजाज करे। तेलंगाना के बंद में जिले करीमनगर में बीजेपी के कारकुना रॉयल तेलंगाना को नहीं कबूल करते बोले। यूपीए के सदर सोनिया गांधी के पोस्टरों को नुकसान पहुंचाए। पुलिस वाले और बीजेपी के कारकुना एक दूसरे को धकेलने लगे। गुस्से में थे सो एहतजाजियों में औरतें भी थे। इस मौके पर एहतजाजियां सोनिया गांधी के पोस्टर फाड़े और जय तेलंगाना बोल के नारे लगाए। पुलिस वाले गुस्से में आके एहतजाजियों को पकड़ के पुलिस स्टेशन को भेज दिए। हैदराबाद में डीजी केबल ऑपरेटर्स कंपनी के झूठ का भांडा फूट गया और ये कंपनी जो गलत काम कर रही इसके पोलान लोगों के सामने खुल गए। 5 दिसंबर को मुंसिफ अखबार के पहले सफे पे ये इश्तिहार छपा, इसको पढ़े तो सब हाल हकीकत मालूम होगी। ये कंपनी वाले कितने भी चैनल गलत तरीके से दिखा रहे हैं बोल के भी मालूम हुआ। हैदराबाद और सिकंदराबाद में डीजी केबल ऑपरेटर कंपनी कितने भी चैनलों के सिग्नलों का गलत इस्तेमाल करके लाखों रुपए लूट ले रही और भोले भाले लोगों को कंपनी वाले हौला बना रहे। मीडिया प्रो चैनल डीजी केबल और इसके निगरानी में काम करते सो केबल ऑपरेटरों को वार्निंग दिए, अगर ये लोग जी के चैनल है सो स्टार प्लस, CNN, स्टार वर्ल्ड और दूसरे चैनलों को इस्तेमाल करना नहीं छोड़े तो अच्छा नहीं होगा और इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करते ये बातें सुनते ही केबल ऑपरेटर हैरान हो गए और ये भी मालूम हुआ कि डीसी केबल से आरएन चैनल बंद हो जाते थे। जो लोग डीसी केबल का सेटअप बॉक्स लगाए इन लोगों दूसरा सेटअप बॉक्सों का इंतजाम कर लिए कुछ टीवी देख सकते। हल्के कारवान के बीजेपी के सदर सुदर्शन और पार्टी के कारकुना तेलंगाना बंद की तायद करे और रॉयल तेलंगाना के खिलाफ एहतजाज करे तो पुलिस वाले इनको पकड़ के कुलसुमपुरा के पुलिस स्टेशन को भेज दिए। बलिष्ठंगा मारुतुन्ना वैएस जगन्मोहन रेड्डी ने मा वैपु वद्दु अनि चेप्पेसी तेलंगाना पै नूकडम जरुगुतुंदी। तेलंगाना वासुलु अंत पिच्चोले कादु। वैएस राजशेखर रेड्डी वर्गीयुलु जगन्मोहन रेड्डी वाळ्ळंदरू कूडा अक्कडने वेळ्ळाली, वाळ्ळदि वाळ्ळु सेपरेट चेसुकोवाली। రాయలసీమ అనేది తెలంగాణలో కలపకుండా తెలంగాణ 10 జిల్లాల తెలంగాణ సంపూర్ణమైన తెలంగాణ కావాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ तेलंगाना बंद के दिन जुमेरात को इमलीबन में हैसो MGBS और फलकनुमा बस डिपो के बसान जाम के बाद रुके हुए थे। बसां बंद रहने की तरफ से इमलीबन बस स्टैंड से गाँव को जाने वाले लोग भी बस स्टैंड पिच परेशान होकर ठहरे हुए थे। पुराने शहर में तेलंगाना बंद का असर नहीं के बराबर था। दुकाना खुले थे, लोग रोजाना के जैसा अपने अपने कामों में लगे हुए थे। स्कूल कॉलेज खुले थे, बच्चे रोजाना गए जैसा पढ़ने चले गए थे। बहादुरपुरा के MLA मोहम्मद मोजम खान 5 दिसंबर को इलाके का दौरा करें। इनके साथ कारपोरेटर अजीज बेग के अलावा बल्दिया के लाइट के और वाटर वर्क के ओहदेदार भी थे। बहादुरपुरा के नाले का काम चल रहा सो देख के मौजम खां बोले, एक तरफ का काम 8 दिनों में पूरा हो जाएगा, दूसरी तरफ का काम और 8 दिनों में हो जाएगा। ये नाला छोटा होने से उबल के इसका पानी महल्ले के घरों में घुस जा रहा था। मजलिस की नुमाइंदगी पे इस पे सलाब डाल रहे। मौजम खां लोगों से मिलके इनके मसलों को सुने और ओहदेदारों को हिदायत दिए। सैंक्शन हो चुका है और उसका काम भी चल रहा है और तकरीबन पिलर्स पड़ चुके हैं और नीचे का बेड पड़ चुका है और इंशाल्लाह ताला 8 दिन के अंदर ब्रिज के एक तरफ जिस तरफ पिलर्स पड़े हैं उस तरफ स्लैब भी पड़ जाएगा। उसके बाद ट्रैफिक को नए ब्रिज की तरफ हम छोड़ेंगे और पुराने ब्रिज की तरफ काम करना चालू करेंगे। इंशाल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मैं हत्तल इम्कान कोशिश कर जिस तरीके से आवाम को तकलीफ़ हो रही है उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए हम सारे वर्कर्स मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऑफिसर्स के साथ लगे हुए हैं और उस काम को देख रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द वो भी काम हो जाएगा। तेलंगाना के वकीला 5 दिसंबर को सिटी सिविल कोर्ट के सामने सड़क पर रॉयल तेलंगाना का पुतला जलाया। सिटी सिविल कोर्ट के वकीला रॉयल तेलंगाना के खिलाफ रैली निकालना चाह रहे थे मगर पुलिस वाले इनको ऐसा करने नहीं दिए, जिसके बाद वो लोग रॉयल तेलंगाना का पुतला जलाए। उतने टाइम पे एडवोकेट्स मानिक प्रभु मीडिया से बोले, सेंट्रल की हुकूमत फिर से एक नया नाटक करी। उन्होंने बोले तेलंगाना के 4 करोड़ लोग 10 गाँव का तेलंगाना होना बोल के बरसों से एहतजाज कर रहे थे। रॉयल तेलंगाना होना बोल के कौन बोला था? हुकूमत रॉयल तेलंगाना कई को अलग करके बोली। उन्हें बोले अगर तेलंगाना को अलग नहीं करे तो एहतजाज ज्यादा करेंगे। जय तेलंगाना। आज फिर एक बार ये यूपीए गवर्नमेंट अपने तेलंगाना पूरे आवाम के लिए और एक बार उन्होंने अपने को तेलंगाना रॉयल तेलंगाना बोल के और एक धोखा देने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। उसको हम लोग एडवोकेट जैसी पूरे तरीके से रेडी है कि हम लोग रॉयल तेलंगाना के प्रोटेस्ट करने के लिए हमसे रेडी है। और आज अगर रॉयल तेलंगाना बोल के अगर यूपीए गवर्नमेंट कुछ भी बोलेगा तो पूरे एडवोकेट जैसी ये पूरे आवाम पूरे उसके पीछे हम लड़ने के लिए खिलाफ करने के लिए तैयार है। वट्टेपल्ली बीबी का चश्मा के शाहिदा बेगम शोहर से तंग आके गैस के तेल से जला लिए। शाहिदा बेगम 2 दिसंबर को अपने घर में खुदकुशी कर लेते बोल के गैस के तेल से जला लिए। उन्हें 90% जल गए। इनको उस्मानिया दवाखाने में इलाज चल रहा। इनके शोहर सैयद हफीज पी के आके इनको मारते थे, तंग करते थे। इनकी शादी 11 साल पहले हुई थी। इनको 2 बच्चियाँ हैं, एक 9 साल की है और एक 2 साल की है। सैयद हफीज को फलकनुमा पुलिस स्टेशन के SI सुरेश इनको पकड़ लिए। 11 साल से ये शख्स के साथ ज़िंदगी गुजार रही है और ये जो शख्स है उनका हस्बैंड अयाश प्रशांत आदमी था और पी खा के हमारी बहन को हरासमेंट करता था और हरासमेंट भी ऐसा हरासमेंट करता था, मारता था, पीटता था और गलत काम के भेजने की कोशिश कर रहा था। इस वजह से हमारी बहन परेशान होकर हमारे घर को बाहर बाहर आने की कोशिश करती थी, तो नहीं आने देने की वजह से इसको मारा पीटा करता था। सेक्रेटेरिएट तेलंगाना एनजीओ के लीडर बोले इनको 10 जिलों का तेलंगाना होना कहते। तेलंगाना TNGO लीडर नरेंद्र राव सेक्रेटेरिएट में अखबार वालों से बातें करते हुए बोले तेलंगाना वाले और तेलंगाना के एम्प्लॉयज दोबारा एहतजाज रॉयल तेलंगाना की बातें सामने आने की वजह से कर रहे थे और सेक्रेटेरिएट के एम्प्लॉयज 5 दिसंबर को मनाए जाने वाले बंद की तायद करने के लिए उन्हें पूरा तेलंगाना दियो बोल के सेंटर वालों को बोले। केवल राजकीय प्रयोजन कोसम कोंतमंदी स्वार्थपर व्यापार प्रयोजन कोसम లేదు అంటే కొంతమందికి భూమి మీద హైదరాబాద్ రంగారెడ్డిలో భూమిని దురాక్రమణను సక్రమం చేసుకోవడానికే ఒక దురుద్దేశం కావచ్చు. వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రతిపాదన తెచ్చేసి ఈ దీన్ని చేయడం అనేది మేము సర్పంచులను జిల్లా కేంద్రానికి పిలిపించి బెదిరించి तेलंगाना डॉक्टर JSC के तरफ से तेलंगाना बंद के दिन उस्मानिया दवाखाने में OP ब्लॉक को बंद करके जनरल सर्विस को रोक दिए। जनरल सर्विस को तेलंगाना JSC के डॉक्टर रोक दिए मगर इमरजेंसी सर्विस को नहीं रोके। डॉक्टर ने रैली निकालने की कोशिश करे मगर पुलिस वाले रैली निकालने नहीं दिए। वो लोग उस्मानिया दवाखाने की गेट के सामने एहतजाज करे। क्रिकेट खिलाड़ी लक्ष्मण CM से मिले। हिंदुस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी सेक्रेटेरिएट पहुंच के CM किरण कुमार रेड्डी से मिले और तो CM किरण कुमार रेड्डी के पुराने दोस्त थे और दोनों दोस्त अभी क्रिकेट के बातें कर रहे हैं। मधुसूदन रेड्डी बोले रॉयल तेलंगाना नहीं बनाए तो साउथ इंडिया अलग कर बोल के बातें शुरू होंगे करते। मधुसूदन रेड्डी जिसका रियासत के दो टुकड़े करना जरूरी है इतना ही राय तेलंगाना बनाना भी जरूरी है कहते। कई को बोले तो ऐसा नहीं करे तो आते 100 दिनों में साउथ इंडिया अलग करो बोल के बातें होना शुरू हो जाएंगे कहते। उन्होंने बोले अगर इनकी पार्टी छोड़ने से रियासत के 2 टुकड़े होना रुक सकते हैं तो उन्होंने अभी पार्टी छोड़ देते कहते। राजकीय पार्टीలకు కానీ మా విన్నపం ఏమంటంటే యథార్థ పరిస్థితిని దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. తెలంగాణగిన ఒక మీకు నిజంగా తెలంగాణగిన కావాలి అని అనుకుంటే ఇట్ ఇస్ నౌ ఆర్ నెవర్. वजीर पी सत्यनारायण बोले गवर्नमेंट अखिलियतों और SC/ST के लोगों के लिए 1600 करोड़ रुपए के नई स्कीम शुरू करते कहते। वजीर पी सत्यनारायण सेक्रेटेरिएट में अखबार वालों से बातें करते हुए बोले CM किरण कुमार रेड्डी आते 100 दिनों में अखिलियतों CC/ST के लोगों के वास्ते 1600 करोड़ रुपए के नए स्कीम शुरू करते गए थे जिसमें अफिलियटों के लिए 500 करोड़ रुपए और 1100 करोड़ रुपए SC/ST के लोगों के वास्ते दिए गए थे। उन्होंने बोले 2 लाख तक के लोन के लिए 50% गवर्नमेंट की तरफ से देते गए थे। सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल के तेलंगाना ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से 5 दिसंबर को दवाखाने की गेट के बाहर डॉक्टरा नर्सा और वार्ड बाया धरना दिए। ये लोग जुलूस निकालना चाह रहे थे मगर पुलिस वाले इन लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिए। ప్రత్యేక తెలంగాణను హైదరాబాద్తో కూడిన 10 జిల్లాల తెలంగాణను ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం పైన ఎంతైనా ఉందని సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఈరోజు సరోజినీదేవి కంటి ఆసుపత్రిలో జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ తరఫున డాక్టర్సు సిస్టర్సు పారామెడికల్ సిబ్బంది అందరూ సంయుక్తంగా OP డిపార్ట్మెంట్స్ బంద్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఎమర్జెన్సీస్ కూడా క్లోజ్ చేసి नामपल्ली के तेलंगाना NGOs ऑफिस के गेजेटेड ऑफिसर और वकील एक रैली निकाले। वो लोग अचानक गांधी भवन की गेट से ट्रस्ट ऑफिस में घुस गए। पुलिस वाले इन लोगों को पकड़ के नामपल्ली पुलिस स्टेशन को ले गए। तेलंगाना NGOs के तरफ से हैदराबाद कलेक्ट्रेट में 5 दिसंबर को धरना दिए जिसकी क़यादत तेलंगाना NGOs के सदर मोहम्मद हुसैनी मुजीब और तेलंगाना गेजेटेड ऑफिसर प्रेसिडेंट MB कृष्णा यादव कर रहे थे। మరి కోటిరెడ్డి గారు సహదేవ్ గారు రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ముఖ్య నేతలందరూ కూడా మేడం అరుణ గారు మా వైస్ ప్రెసిడెంట్ తెలంగాణ NGOs యూనియన్ వెంకటేష్ గారు మా యాదగిరి రెడ్డి గారు మోహన్లకు రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల పక్షాన అశోక్ గౌడ్ గారు అన్న ఇంకెవరి పేరైనా మర్చిపోయి ఉంటే మీరు క్షమించాలి. శ్రీనివాసరావు గారు కూడా ఈ సభలో ఉన్నారు. बॉलीवुड के हीरो शाहिद कपूर बोल रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में इनको ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे कहते। साल 2003 में शाहिद कपूर इश्क व शक से अपने कैरियर को शुरू करने थे। इनको फिल्मों में काम करके 10 साल हो गए और उन्होंने कितने ही फिल्मों में कामा करे, मगर इनके फिल्म बॉक्स ऑफिस पे चलेच नहीं। शाहिद कपूर बोल रहे इनकी बॉलीवुड में वैल्यूज नहीं है, ये कितने सही है ये गलत है हमको नहीं मालूम। और एक और फिल्म राजकुमार में एक्टिंग करेंगे कहते। बॉलीवुड के किन खान है सो शाहरुख खान बोल रहे हैं छुट्टी मिले जब इनको घर में रहना अच्छा दिखता कहते। बॉलीवुड के मशहूर हीरो है सो शाहरुख खान बोल रहे हैं छुट्टी के दिन को घर पे टाइम पास करना अच्छा दिखता कहते। शाहरुख खान जब देखे जब फिल्मों की शूटिंग करने और इसके प्रमोशन में बिजी रहते और जब भी उनको फुर्सत मिलती वो टाइम अपने घर के अंदर टाइम पास करते रहते। उस वक्त शाहरुख खान अपनी नई फिल्म न्यू ईयर की शूटिंग में बिजी है। ये फिल्म को फराह खान डायरेक्ट कर रहे हैं और आते 100 साल दिवाली के वक्त ये फिल्म रिलीज होगी बोल रहे हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखेंगे। तेलंगाना बंद का मिला जुला रद्द अमल, सिटी सिविल कोर्ट के वकीलों की रैली नाकाम। वजीर बी सत्यनारायण अखिलता और SC/ST के वास्ते 1600 करोड़ रुपए के नई नई स्कीमें शुरू करते बोल रहे हैं। तेलंगाना के बंद में करीमनगर में बीजेपी वाले यूपीए के सदर सोनिया गांधी के पोस्टर जलाए, चित्तूर और तिरुपति में हाई अलर्ट। दूसरे 10 बातें करो नको तेलंगाना नहीं देते बोल के बोलो नको, TRS के YS गीता का रिमार्क। डीजी केबल का गलत तरीके से इस्तेमाल, मीडिया प्रो और चैनल डीजी केबल और केबल आपके दरों को मारने। दक्कनी खबरनामे के इन खबरों के साथ ही मैं फरजाना आप सबसे विदा लेती हूँ। अल्लाह हाफिज।